श्री शिवाय मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको रविवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपका डिप्रेशन भी दूर होगा। जिनको मानसिक बीमारी रहती है, उनके दिमाग में कोई ना कोई बोझ चलता रहता है या बहुत सोचते हैं, तो भी यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से यदि आपके मन में कोई डर बैठा रहता है, तो भी इस उपाय को अवश्य करना है। इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, साथ साथ में आपके जीवन में सकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से आपके हर तरह के काम भी सिद्ध होते हैं। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं किस प्रकार से आपने शिवालय जाकर यह उपाय करना है, ताकि आप उपाय सही ढंग से कर सके और आपको 100% फल मिल सके। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी वहाँ तक जरूर शेयर भी कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपने मात्र 11 चावल के दाने लेने हैं और साथ में आपने शहद ले लेना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा शहद रख लें और साथ में आपने एक लोटा जल, जो कोशिश करनी है कि तांबे के लोटे में भरना है और घर से ही लेके जाना है। तो इन वस्तुओं को लेकर आपने पहुंच जाना है शिवालय। वहां पर आपने सबसे पहले जो यह शहद है, आपने महादेव पर अपने मन की बात कहते हुए और ओम नमः शिवाय या किसी भी महादेव के मंत्र का जाप करते हुए आपने इसका ओम बना देना है। और ओम लगाते वक्त आपने बिंदी जरूर लगानी है। इसके बाद जो आपके पास यह चावल के दाने बच जाएंगे, आपने इन 11 चावल के दानों को भी इस ओम के ऊपर ही चढ़ा देनी है। कोशिश करें आप ज़्यादा शहद लगाकर ही यह ओम बनाएं, क्योंकि जब आपने यह चावल के दाने चढ़ाने हैं तो ये चिपकने चाहिए। इसके बाद आपके हाथ में जो यह लोटा जल होगा, आपने महादेव पर धीरे धीरे अपने मन की बात कहते तो समर्पित कर देना है। कहते हैं कि जो भी इंसान इस उपाय को करता है, उसके जीवन के हर तरह के संकट टल जाते हैं। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शीर्ष नमस्तु भी हम की हाजिर जरूर लगाएं। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ तक जरूर शेयर कर दे, ताकि उनकी भी समस्या सॉल्व हो सके। शीर्ष नमस्तु भी हम हर हर महादेव मिलते हैं अगली वीडियो में।